चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का थीम सॉन्ग लॉन्च, सपने नहीं हकीकत बुनते इसलिए सब मोदी को चुनते, पीएम ने मैनिफेस्टो के लिए जनता से सुझाव मांगा। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने कैंपेन लॉन्च कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कैंपेन का शुभारंभ किया। इस दौरान भाजपा का खास चुनावी थीम सॉन्ग भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया, 3000 से अधिक एग्जीबिटर्स शामिल, अलग अलग राज्यों में बनेंगे 7 पीएम मित्र पार्क। पंजाब में ट्रैक्टर मार्च, हरियाणा में टोल पर प्रदर्शन, हाईवे पर ट्रॉलियां खड़ी की डल्लेवाल बोले, सरकार किसानों पर फायरिंग करने वालों पर कार्रवाई करे। 50 साल की उम्र की सभी महिलाओं के खातों में आएंगे हर महीने 1000 रुपए, झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान। जानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पर रोक नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज, 31 जनवरी को पूजा शुरू हुई थी। मायावती की बढ़ सकती है मुश्किलें, अपने छोड़ रहे साथ, रितेश पांडे के बाद बीएसपी पर मंडराया खतरा। भारत अरब सागर में जुटा रहा 50 देशों की नौसेनाएं, 20 देश युद्धपोत के साथ शामिल हो रहे, सबसे बड़ा वॉर गेम देगा चीन को चुनौती। पीएम ने 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की नींव रखी, बोले आज के भारत ने छोटे सपने देखना छोड़ दिया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज का दिन रेलवे के लिए एक ऐतिहासिक बताया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 1500 रोड ओवर ब्रिज, रोड अंडर ब्रिज की आधारशिला रखी। इसके अलावा पीएम ने उत्तर प्रदेश में गोमती नगर स्टेशन का भी उद्घाटन किया। सत्ता में आए तो खत्म करेंगे अग्निपथ स्कीम, सेना में बहाल करेंगे नियमित भर्ती, कांग्रेस ने किया वादा। एलजी का आदेश, दिल्ली में आयुष्मान भारत स्कीम लागू करें, केजरीवाल के मंत्री बोले, हमारे अस्पतालों में बीजेपी शासित राज्यों से मरीज आ रहे। बड़ी सहूलियत, गांवों में मिलेंगी सिकल सेल एनीमिया और रेबीज की दवाइयां, केंद्र सरकार ने नई दवाओं की खरीद शुरू की। जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत की, विकसित भारत, मोदी की गारंटी रथ को दिखाई हरी झंडी। योगी की राह पर धामी सरकार, यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में दंगाइयों पर होगा एक्शन, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से होगी वसूली। जी हां, उत्तराखंड सरकार यूपी की तर्ज पर काम करने वाली है। जिस तरह से यूपी में दंगा करने वालों और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से पाई पाई का हिसाब लिया जाता है, उसी तरह से अब उत्तराखंड सरकार भी दंगाइयों पर शिकंजा कसेगी। राज्य में हड़ताल, बंद, दंगा एवं विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर अब कानून का शिकंजा कसने जा रहा है। ऐसा करने वालों से संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति ली जाएगी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने फिर बढ़ाई टेंशन, एक्यूआई 400 के पार, सरकार ने लगाए कड़े प्रतिबंध। मराठा आंदोलनकारियों ने जालना में बस जलाई, महाराष्ट्र के 3 जिलों में इंटरनेट सस्पेंड, मनोज जरांगे ने 17 दिन से चल रहा अनशन वापस लिया। हफ्ते भर में आधे उम्मीदवार घोषित कर सकती है कांग्रेस, कमलनाथ बोले, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ, फौरन फैसला करे स्क्रीनिंग कमेटी। सिक्किम सरकार ने किया शिशु समृद्धि योजना का ऐलान, हर नवजात के नाम पर खाते में पैसा जमा करेगी सरकार। जी हां, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले सिक्किम शिशु समृद्धि योजना की घोषणा की। इसके तहत नवजातों के नाम पर खाते में 10,800 रुपए जमा किए जाएंगे। इस पैसे को बच्चे के 18 वर्ष पूरा होने पर ही निकाला जा सकेगा। दुनिया में बज रहा भारतीय ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का डंका, कई देशों ने की डिमांड, कुछ दिनों में शुरू होगा एक्सपोर्ट। रिलायंस फाउंडेशन ने वन तारा प्रोग्राम की घोषणा की, देश और विदेश में जानवरों का बचाव, उपचार, देखभाल और पुनर्वास करना इसका मकसद। आधार कार्ड नहीं होने के बावजूद कर सकेंगे वोट, लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने दिया आश्वासन। केरल में भी इंडियन गठबंधन में फूट, सीपीआई ने 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए, वायनाड से राहुल, तिरुवनंतपुरम से थरूर के खिलाफ कैंडिडेट उतारे। हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में क्रांति, अब किसी भी हॉस्पिटल में होगा कैशलेस इलाज, चाहे कंपनी के नेटवर्क में हो या नहीं। सऊदी अरब में अब रमजान को लेकर भी नए नियम बने, मस्जिद के अंदर इफ्तार पर रोक। हमारे फूफा विधायक हैं का भौकाल काटने वाले हो जाएं, सावधान, यूपी पुलिस गाड़ियों को कर रही सीज। जी हां, फर्जी पास वाले वाहनों पर यूपी पुलिस लगातार नकेल कस रही है, विधायक नेता मंत्री के नाम का नकली पास गाड़ियों पर लगाकर भौकाल काटने वाले लोगों की गाड़ियां सीज की जा रही हैं। फर्जी पास का इस्तेमाल करके गाड़ियों की रफ्तार तेज करना और जोर जोर से गाने बजाना, इन सब पर लगाम लगेगी।
मध्य प्रदेश गान में खड़े होना अनिवार्य नहीं, मोहन यादव ने बदला शिवराज सिंह चौहान का फैसला। आलोचना करने वालों पर ट्रैवल बैन लगा, पासपोर्ट को हथियार बना रही मोदी सरकार, महबूबा मुफ्ती ने बोला हमला। आभा आईडी से एक क्लिक में मरीजों को मिल जाएगी सभी जांच रिपोर्ट, अस्पताल में नहीं लगनी पड़ेगी लाइन। जी हां, आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन के तहत अब मरीज खुद का हेल्थ अकाउंट बना सकेंगे। यह मिशन भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप से व्यवस्थित और सुलभ बनाया जा सके। इसके लिए मरीज को अपनी आभा आईडी बनानी होगी, इसमें डॉक्टर को दिखाने से लेकर विभिन्न मेडिकल रिपोर्ट अपलोड की जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरह आधार कार्ड हर भारतीय की पहचान है, उसी तरह आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट हर भारतीय की स्वास्थ्य जानकारी को सुरक्षित रखेगा, जिसे जब चाहे कहीं भी कोई डॉक्टर या अस्पताल देख सकता है। बेरोजगारी महंगाई पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा, एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने का लगाया आरोप। बंगाल शिक्षा बोर्ड ने अगले साल माध्यमिक परीक्षाओं के लिए डेट्स की घोषित, 12 से 24 फरवरी तक आयोजित होंगे एग्जाम। संविधान बदलने का किया जा रहा प्रयास, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले आने वाले दिनों में देश में होगी तानाशाही। खाना मंगाने के साथ साथ अब कर पाएंगे पेमेंट भी, 3 साल के इंतजार के बाद आरबीआई ने दी जोमैटो को मंजूरी, पेटीएम फोन पे को मिलेगी टक्कर। मध्य प्रदेश में अमित शाह ने दिए जीत के 4 मंत्र, बोले हारे बूथ पर विस्तार शुद्धिकरण संस्कारीकरण फिर परिपूर्ण कर अजेय बनाना। अडानी ग्रुप जल्द ही कैब सर्विस देगा, उबर के साथ पार्टनरशिप पर काम कर रहे गौतम अडानी। कांग्रेस ने पास किया सपा आम आदमी पार्टी का एग्जाम, बंगाल और महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का नहीं मिल रहा हल। सीएम सिद्धारमैया का बड़ा ऐलान, कर्नाटक में लागू हुई पुरानी पेंशन व्यवस्था। जी हां, कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है। इसके साथ ही कर्नाटक पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला एक और कांग्रेस शासित राज्य बन गया है। मुस्लिम विवाह कानून निरस्त होने से समुदाय की महिलाओं को अत्याचार से मिलेगी मुक्ति, जब तक जिंदा हूं छोटी बच्चियों की शादी नहीं होने दूंगा, असम सीएम हेमंत बिस्वा सरमा का विपक्ष को जवाब। विधानसभा में सीएम केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को किया सैल्यूट, बोले कोर्ट के फैसले का इंतजार, केजरीवाल ने पीएम पर साधा निशाना, बोले देश को लूटने वालों को बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं। तमिलनाडु की टीएमसी का एनडीए में शामिल होने का ऐलान, भाजपा के साथ लड़ेगी लोकसभा चुनाव। देश में 60% तक बड़ी साइबर अपराधों के खिलाफ दर्ज शिकायतें, जागरूकता से अधिक मामले हुए दर्ज। मौसम विभाग का बड़ा अपडेट, पहाड़ों पर बन रहा व्हाइट मार्च वाला मौसम, 1 से 4 मार्च तक होगी बर्फबारी और मैदान में तेज बारिश। इंडियन कोस्ट गार्ड परमानेंट कमीशन केस, सुप्रीम कोर्ट की सरकार को चेतावनी, महिलाओं को बाहर नहीं रख सकते, आप करें नहीं तो हम परमानेंट करेंगे। रोड पर एक्सीडेंट का खतरा होगा कम, सरकार उठा रही है बड़ा कदम, मार्च 2025 तक पूरा होगा 9000 दुर्घटना, संभावित ब्लैक स्पॉट हटाने का चुनौतीपूर्ण काम। जून से शुरू होगा मेरा तीसरा कार्यकाल, पीएम मोदी बोले विकसित भारत की गारंटी है मेरा संकल्प, हम राजनीति नहीं राष्ट्रनीति करने वाले लोग हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज संभव, 3 राज्यों पर पीएसी बैठक में होगा मंथन। फेक लोन ऐप की एडवर्टाइजमेंट पर जल्द लगेगी रोक, सरकार करेगी आईटी नियमों में बदलाव, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी एप्स का प्रचार होगा बंद। योगी सरकार का किसानों को तोहफा, पीएम कुसुम योजना के तहत योजना का लाभ लेने के लिए कल करें ऑनलाइन आवेदन। अब पुश्तैनी जमीन नहीं बेच सकेंगे भूस्वामी, बिहार सरकार ने लागू किया नया नियम। झारखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका, सांसद गीता कोड़ा ने छोड़ा हाथ का साथ, थामा बीजेपी का दामन। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में 70% की कमी, हड़ताल पत्थरबाजी हुई शून्य अमित शाह। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले उरी और बालाकोट हमले ने आतंकवाद को दिया करारा जवाब, G20 ने G7 पर किया कब्जा। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही, इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद,